इस वक्त हमें हरियाणा के करनाल में 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में हरियाणा की बड़ी भूमिका रही और अब 25 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होनी है। आज किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत हरियाणा पहुंचे करनाल में, जो संगठन के लोग थे उनके सुख दुख में भी साझी हुए। तो चौधरी साहब, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, किस तरीके का माहौल पूरे देश में आपको दिखाई दे रहा है? माहौल तो कोई गर्म सा माहौल तो देश में है नहीं, ना किसी को उत्साह है चुनाव का। ये तो ये है कि चुनाव हो रहा, एक चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब का चुनाव में माहौल होता था वो नहीं है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, क्या हो पाएगी? चुनाव को ठंडा करके और गणित में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, हासिल सवाल वो करके उसकी निगाह रखनी चाहिए, एक ही जगह 3 का बना सके। आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें बीजेपी की आ रही है? ये लगता है कि माहौल सा देख के 200 से कम रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर अमित शाह को मौका देंगे आगे। ये चर्चाएं हैं। सोच क्या है इन चर्चाओं के पीछे? क्या पता क्या रहेगा, तो जब है ना, जब चुनाव जीत के जाएंगे सरकार बनेगी। चुनाव में जीत के कौन जाएगा कौन आएगा वो तो बाद की चीजें हैं। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पद से हटाए जा सकते हैं उनको भी। भाई क्या पता क्या हो सके, इस सरकार में भी मजबूत लोगों को हटा जाता है। ये सरकार बड़े पूंजीपतियों की है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। राजपूत समाज के लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में नाराजगी जताई और एक तथ्य यह भी था कि भी योगी आदित्यनाथ जी को भाजपा मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी। क्या पता तो उनकी पॉलिटिकल वो है, क्या पता क्या रहेगा। किसान संगठन अपने संगठन को मजबूत करें, देश में आंदोलन होंगे, सरकार किसी की भी बने, वो पक्ष की बने विपक्ष की बने, तो आंदोलन देश में होंगे। ये देश बगैर आंदोलन के नहीं चलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं, ये देश आंदोलन से चलेगा। अच्छा, आप हरियाणा में है, विशेष तौर पर 13 महीने का जब आंदोलन चला, हरियाणा की बड़ी भूमिका रही, मुकदमे भी किसान नेताओं पे किसानों पे बड़ी तादाद में यहाँ दर्ज हुए और मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। आज खट्टर साहब इसी करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसान किस मूड में? वो गाँव में तो नहीं जा रहे, गाँव में जाए तो भाई उनका पता चले। हमने तो कहा कि उनको गाँव में जाना चाहिए, वोट गांव से आएगी तो गांव में जाना चाहिए उनको। भाई नाराजगी होगी तो लोग अपनी नाराजगी भी बता दें ना, गांव में जाना चाहिए उनको। गांव जाते हैं आप लोग, काले झंडे दिखाते हैं? नहीं, काला झंडा भी तो कुछ ना कुछ है, उन्हें उनकी नाराजगी सुनो, उनको अपने पक्ष में करो, उनकी बात करो। किसान आंदोलन में जो खट्टर साहब की भूमिका रही, आप व्यक्तिगत तौर पर भी किसानों से कुछ अनुरोध करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि भाई वे गांव में आओगे, उनसे बातचीत करो, मुख्यमंत्री जी कहीं मिले तो उनसे बातचीत होनी चाहिए। 25 तारीख को जब किसान वोट करेगा यहाँ पे, तो अपने मन में क्या रखे? वो करेगा, वोट करेगा, वो सब पता उसके मन में। 370 किसान भी है, वो 700 किसान मरे, एक्सपायर हुए, हमारे जो शहीद हुए वो भी है 750 किसान, वो याद रखेगा उनको। तो किसान खट्टर साहब का इलाज करेंगे? नहीं, चलो इलाज का तो उसका क्या है अपना, वो तो वोट में क्या करेंगे। ठीक है, करेगा जो भी होगा, देखेंगे उसको। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, हरियाणा के किसान चूंकि विशेष तौर पे आंदोलन बड़ी भूमिका रही, क्या संदेश आपका हरियाणा के किसानों को है? हरियाणा के किसान अपना भाई एकजुट रहे, जैसे आंदोलन का माहौल था ऐसे ही उठ के माहौल में भी अपना रह लेंगे। ये होशियार है यार जी, बहुत होशियार है। इस पर संकेत आप नहीं देंगे? नहीं, हमारा नहीं इस पर, ये आप अपने क्षेत्र का आप अपने आप देख लेंगे। तो राकेश टिकैत बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान समझदार है, हालांकि उन्होंने इशारा ये भी किया कि खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री के तौर पर है, 13 महीने के किसान आंदोलन में जो कड़वी यादें किसानों की है, किसान उसे याद रखेंगे, ये संकेत राकेश टिकैत दे रहे हैं।